हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेफ और अनसेफ पीरियड क्या होता है, कैसे हमें इसे कैलकुलेट करना है, कैसे हमें ओवुलेशन का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है और कैसे हम नेचुरल मेथड से प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी पिल्स, एनी हॉर्मोन्स और एनी डिवाइसेस। ये मेथड वो कपल ट्राई कर सकते हैं जिनका प्रेगनेंसी का प्लानिंग अभी नहीं है, दे वॉन्ट टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड दे कैन एन्जॉय देयर मैरिड लाइफ हैप्पीली। दोस्तों, सेफ और अनसेफ पीरियड कैलकुलेट करने का मकसद यही है कि हमें एक नेचुरल तरीका इस्तेमाल करना है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी विदाउट यूजिंग एनी मेडिकेशंस, पिल्स, हॉर्मोन्स और एनी डिवाइसेस, डायफ्राम्स, कॉन्डोम्स एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं व्हाट आर सेफ पीरियड। सेफ पीरियड को अनफर्टाइल डेज भी कहते हैं। इट इज द टाइम व्हेन फीमेल्स आर सपोज टू हैव द लीस्ट चांस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंट। यानी कि सेफ पीरियड वो टाइम है जहाँ पे एक औरत का प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज अनसेफ पीरियड। अनसेफ पीरियड को फर्टाइल डेज भी कहते हैं। इट इज अ टाइम व्हेन फीमेल गेट्स कंसीव इफ शी कोपुलेट्स, यानी कि इफ शी हैज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर पार्टनर विद इन द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। Hence, it is termed as unsafe period to have sexual intercourse. Ovulation एक ऐसा time है जहाँ पे ovary में से egg release होता है और यहाँ पे बहुत ही high chances होते हैं for a female get conceived if she has a sexual intercourse with her partner. Now, how to calculate the time of ovulation? Suppose एक औरत का menstrual cycle 30 दिनों का है, तो उन 30 दिनों में से बीच के जो 10 दिन है रफली वहां पे उसका ओवुलेशन का टाइम होता है। यानी कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10, 10 एंड 10 डेज, 1 टू 10, 11 टू 20 एंड 21 टू 30। अगर उसका पीरियड 1 तारीख को आता है, समझिए 1 तारीख को उसका पीरियड आता है, तो वहां से लेके 10 तारीख तक सेफ पीरियड्स है। बीच के 11 से लेकर 20 तारीख तक अनसेफ है, यानी कि इस बीच में ही उस फीमेल का ओव्यूलेशन होगा और 21 से लेकर 30 डे वापस से 30 डेट तक उसका सेफ पीरियड है। चलिए अब मैं आपको चार्ट के हिसाब से थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि समझिए, ये हो गया आपका 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 1 महीने का होता है। यूजुअली 28 to 30 डेज का होता है। अगर आपका 30 डेज का साइकिल है और आपका पीरियड समझिए 1 तारीख को आता है, यहाँ पे आपके पीरियड्स आते हैं, डेट 1 को डे 1 रहेगा आपका, डे 1। अगर ये आपका डे 1 है तो यहां से लेकर डे 10 तक ये आपके सेफ पीरियड माने जाएंगे। यानी कि अगर आप इन दौरान अगर अपने पार्टनर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में भी आते हो तो ये आपके सेफ डेज हैं, सेफ सेक्स, यू कैन हैव योर सेफ सेक्स अप टू डे 10। फिर 11 से लेके 20 तक यू हैव अनसेफ डेज। यू शुडंट हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स ओवर दीज डेज अप टू 20 अनसेफ डेज। देन अगेन फ्रॉम 21 to 30, these are again your safe days where you can have unprotected sex with your partner. पर ये cycle उसी के लिए है जिसका 30 days का cycle होगा। You need to have 30 days cycle and also regularity भी चाहिए। So I hope आपको इसके through समझ में आया होगा। So it is always better to avoid unprotected sex intercourse during these mid-10 days. बाकी starting के 10 दिन और बाद के 10 दिन जैसे मैंने बताया वो safe period है and you couples can enjoy your married life happily. पर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि ये calculation उन लोग के लिए ही है जिनका menstrual cycle constant है, regular है, 30 days का cycle है। सो आई होप गाइज आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको डिटेल में जानना है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का जहां आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो सेपरेटली इन द डिटेल टू एक्सप्लेन यू मोर बेटर।